नमस्कार साथियों, मैं हूं बनवारी सर। सीरीज क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत। राकेश सर द्वारा संचालित सीरीज क्लासेज में मैं फिर आया हूं आपके साथ ज्ञान की गंगा बहाने के लिए। तो साथियों, आर्ट एंड कल्चर यानी राजस्थान कला संस्कृति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान में लोक देवियां। तो लोक देवियों को हमने संभागवार प्रारंभ किया था, अब थोड़ी आगे की बात करते हैं। साथियों, आप अपना स्वास्थ्य जो है उसको उत्तम बनाए रखें और जैसे भी पॉसिबल हो बस अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है। सफलता पानी है आस रखिए, आस रखिए, जिंदगी और अपनी खुशी हमेशा झक्कास रखिए। नफरतों की आंधियों को भूल जाओ मेरे यारों, बस उम्मीदें मोहब्बत अपने पास रखिए। तो आगे हम बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ रहे हैं, कला संस्कृति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसी कला संस्कृति में हम यहां पर पढ़ते हैं दोस्तों एक टॉपिक, राजस्थान में लोक देवियां। और राजस्थान में लोक देवियों को हम पढ़ रहे हैं संभाग के अनुसार। संभाग के अनुसार जब बात करते हैं तो राजस्थान में जब लोक देवियों की बात करते हैं तो हम अगले संभाग पर चलते हैं और उस संभाग का नाम है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग की लोक देवियों के बारे में हम बात करते हैं। जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या 6 है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। तो यहां पर हम जोधपुर संभाग की लोक देवियों के बारे में बात करते हैं साथियों। तो यहां पर मैंने लिख दिया जोधपुर संभाग की लोक देवी। कहां की बात कर रहे हैं? जोधपुर संभाग की लोक देवी। अब जोधपुर संभाग में आपको पता है जिलों की संख्या कितनी बताई है? 6 बताई है। कौन कौन से जिले हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। अब यहां पर हम आगे बात करते हैं इसी जोधपुर संभाग के बारे में। जब हम बात करते हैं तो जोधपुर से हम करते हैं शुरुआत। कहां से शुरुआत करते हैं? सूर्य नगरी जोधपुर से शुरुआत करते हैं। जोधपुर बड़ा प्यारा शहर है, कभी जाएं तो जरूर देख कर आए। राजस्थान में जो राजस्थानी शब्द आता है, जिस राजस्थानी शब्द की व्यक्ति कल्पना करता है तो मारवाड़ में दिखाई देता है, तो वो प्यारा जोधपुर है। तो उस जोधपुर के बारे में हम बात करते हैं साथियों। जोधपुर के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जोधपुर। अब जोधपुर की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है जोधपुर में जो राजवंश रहा है वो रहा है राठौड़। कौन सा राजवंश रहा है? राठौड़ राजवंश रहा है। तो उस जोधपुर की लोक देवियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैंने एक नाम लिखा और वो नाम है नागनेची माता। कौन सी माता? नागनेची माता। और नागनेची माता के बारे में जब हम यहां पर बात करते हैं तो नागनेची माता मैंने आपको कहा कि जोधपुर जो है वो राठौड़ राजवंश रहा है। और आपको पता है जोधपुर के बाद बीकानेर में भी राठौड़ राजवंश था और बीकानेर का जो राठौड़ राजवंश है वो भी जोधपुर से जुड़ा हुआ है। राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीका 1488 में उधर राठौड़ राजवंश की स्थापना की एक अलग शाखा के रूप में। तो यहां पर नागनेची माता जो है, ये नागनेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। तो यहां पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में राठौड़ों की कुल देवी है तो नाम है नागनेची माता। नागनेची माता तो राठौड़ों की, राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में माना जाता है। किसको माना जाता है साथियों? नागनेची माता को। और जब हम राजस्थान में लोक देवी देवताओं की बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में चार हाथों के लिए, चतुर्भुज के लिए जिन लोक देवता को जाना जाता है, शेषनाग का अवतार जिन्हें कहा गया है, वो है वीर कल्ला राठौड़। और वीर कल्ला राठौड़ जो है
वो भी नागनेची माता के भक्त थे। यानी यहां पर हमने लिख दिया वीर कल्ला राठौर राजस्थान के लोक देवताओं में नाम आता है साथियों इनका, वीर कल्ला राठौर भी इनके भक्त थे, वीर कल्ला राठौर भी इनके भक्त थे। तो ये बात कर रहे हैं हम किसकी, जोधपुर की बात कर रहे हैं, और जोधपुर में यहां पर आया है नागनेची माता, राठौर राजवंश की कुल देवी है, और वीर कल्ला राठौर जो है वो भी नागनेची माता के भक्त माने जाते थे। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये पढ़ाई का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन बस शर्त यही है कि आप लोग अपनी मेहनत जो है उसे बिल्कुल कम नहीं होने देना, मेहनत करते रहना है और सक्सेस 100% मिलेगी। अपने को अपनी पढ़ाई में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी है। तो आगे हम चलते हैं इसी जोधपुर के बारे में, जब हम आगे बात करते हैं तो यहां पर हमने नागनेची नाम लिखा, नागनेची माता। अब नागनेची माता के बाद आगे चलते हैं जोधपुर में दूसरे नंबर, तो यहां पर नाम आता है चामुंडा माता। चामुंडा माता, अब चामुंडा माता के बारे में हम बात करते हैं तो इनका मंदिर जो है वो मेहरानगढ़ में है, इनका मंदिर जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम सुना होगा या साथियों आप लोगों ने, राव जोधा के द्वारा निर्मित चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ, रुडियार्ड किपलिंग ने भी इसके बारे में कहा कौन सा दुर्ग, मेहरानगढ़। तो चामुंडा माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, वो मेहरानगढ़ में। और ये चामुंडा माता जो है ये जोधपुर राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी मानी जाती है। तो यहां पर हमने लिख दिया कि ये जो चामुंडा माता है ये किसकी इष्ट देवी है, तो यहां पर हमने लिख दिया राठौड़ राजवंश जो है इनकी इष्ट देवी मानी जाती है। अब दरअसल में राजस्थान में नवरात्रे का समय था, देवी के मंदिर परिसर में भारी भीड़ थी और भगदड़ मच जाने के कारण यहां लगभग 250 व्यक्तियों की मृत्यु हुई सन 2008 में। बड़ी विचलित घटना थी, सन 2008 में भगदड़ मच जाने के कारण लगभग 250 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उस घटना की जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जसराज चोपड़ा समिति का संबंध किससे है, तो नाम बताना है आपको चामुंडा माता। क्या नाम बताना है, चामुंडा माता। यानी यहां पर 2008 में मंदिर परिसर में, 2008 में मंदिर परिसर में भगदड़ मच जाने के कारण, मंदिर परिसर में भगदड़ मच जाने के कारण लगभग 250 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 250 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, कितने व्यक्तियों की, 250 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, तथा इस घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई गई जिसे हम जसराज चोपड़ा समिति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जसराज चोपड़ा समिति के नाम से जानते हैं, जसराज चोपड़ा समिति के नाम से जानते हैं, जसराज चोपड़ा समिति के नाम से जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान में लोक देवियों के बारे में, और राजस्थान में लोक देवियों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं जोधपुर।
कौन सा पढ़ रहे हैं? जोधपुर पढ़ रहे हैं। अब यहां पर जोधपुर संभाग के बारे में बात कर रहे हैं, जोधपुर जिले के बारे में बात कर रहे हैं। बस साथियों ये तो हम पढ़ेंगे और बिल्कुल बहुत गहराई से पढ़ेंगे, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत जो है उसके लिए तैयार रहे और फालतू अनर्गल कामों में समय व्यतीत न करें। कोई बाबू सोना तुम्हारे काम नहीं आएगा, इसलिए वास्तविक रूप से यही है कि आप क्या करें भैया, पढ़ाई करें। क्या करें? पढ़ाई करें। खुशी है तो आप खुश रहकर पढ़ेंगे तो उसका मामला थोड़ा अलग ही होगा, क्योंकि खुशी का मिजाज आज अपने आप को आप मस्त रखिए, बिंदास रखिए और खुश होकर के पढ़िए। जो कार्य खुशी से किया जाता है उसका कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि दुख किसके पास नहीं है इस जगत में। हर व्यक्ति हर प्राणी दुखी है, लेकिन जिसने सुख की प्राप्ति करना सीख ली उसके आगे सब फेल है। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और फिर आप कोई भी कार्य करेंगे तो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी, एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा अपना साथ देगी और मजा आएगा। तो निराशा नहीं रखनी है जीवन में, अंधेरे तो बहुत है, लोग आएंगे लोग जाएंगे, बस अपनी भावनाओं को हमेशा सकारात्मक रखना, किसी को परेशान नहीं करना, सकारात्मक सोच रखना, अपने ईमान पर अड़िग रहना और समाज हित में हमेशा अच्छा मैसेज, हमेशा अच्छा कार्य करके जाना, यही है जो हमें वास्तविक रूप से सकारात्मक एनर्जी देने का काम करेगा। सकारात्मक रहिए, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक रहिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जोधपुर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं साथियों? जोधपुर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। जोधपुर संभाग में हमने पढ़ा नागणेची माता, फिर लिखा हमने चामुंडा माता। आगे चलते हैं यहां पर तो तीसरे नंबर पर नाम आता है सचियाई माता। क्या नाम आता है साथियों? सचियाई माता। अब सचियाई माता के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनका जो मंदिर मिलेगा वो मिलेगा अपने को ओसिया में। कहां पर मिलेगा? ओसिया में इनका मंदिर मिलेगा। हमने ब्रैकेट में यहां पर हमने लिख दिया साथियों ओसिया। प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है किसको? ओसिया को जाना जाता है। प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है किसको? ओसिया को। और एक नाम सबने सुना है और वो है ओसवाल। ओसवाल समाज में जन्म लेने वाली लोक देवी सचियाई माता। ओसवाल समाज की क्या लगेगी मेरे साथियों? कुल देवी लगेगी। तो यहां पर हमने लिख दिया कि सचियाई माता जो है ये कुल देवी है। सचियाई माता जो है ये कुल देवी है। कौन से समाज की? ओसवाल समाज की। कौन से समाज की कुल देवी है? ओसवाल समाज की कुल देवी है। तो यहां पर हमने लिख दिया सचियाई माता ओसिया में मंदिर है। किसकी कुल देवी है साथियों? ओसवाल समाज की कुल देवी। याद रखना, प्राचीन मंदिरों के लिए जो स्थान राजस्थान में प्रसिद्ध रहा है वो ओसिया है, काफी प्रसिद्ध स्थान है। अब हम आगे चलते हैं। आगे जब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर तो यहां पर मैंने जोधपुर में एक नाम लिखा साथियों, काफी प्रसिद्ध माता जी है, काफी प्रसिद्ध लोक देवी है, नाम है आई माता। आई माता का जो मंदिर है वो है बिलाड़ा में। कहां पर है मंदिर? बिलाड़ा। तो यहां पर मैंने नाम लिख दिया बिलाड़ा। बिलाड़ा के बारे में बात कर रहे हैं तो बिलाड़ा जो है यहां पर, अब बिल्कुल एक बच्चे ने मैसेज भेजा है कि कुछ शायरी भी सुनाया करो सर। बिल्कुल सुनाएंगे, अभी वो भी सुना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर आई माता जो है इनका मंदिर कहां पर है? बिलाड़ा में है। कहां पर है मंदिर? बिलाड़ा में है। अब आई माता के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पर ये कुल देवी है सिरवी समाज की। किसकी कुल देवी है साथियों? सिरवी समाज की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। कौन सी लोक देवी को? आई माता को। अब देखो
प्रश्न जो है बड़े काम का प्रश्न है, बड़े काम का प्रश्न है, प्रश्न जो बनता है वो क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा कुलदेवी किसकी है, सिरवी समाज की। कुलदेवी किसकी है, सिरवी समाज की कुलदेवी है। और देवी का जो थान होता है, जो चबूतरा होता है, वो होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। अगर खेजड़ी विकल्प नहीं है तो फिर कुछ स्थानों पर ये नीम वृक्ष के नीचे भी होता है थान, जो छोटे चबूतरे होते हैं। तो हर स्थान पर जो थान है उनको थान ही कहा जाएगा। लेकिन अगर आई माता के संदर्भ में बात करें तो देवी के जो चबूतरे यानी जो थान होते हैं साथियों, उनको बडेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, बडेर कहा जाता है। और देवी का जो मंदिर होता है उसे दरगाह कहा जाता है। मंदिर को क्या कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है। तो यहाँ पर आई माता के बारे में हम बात करें तो कुल देवी है सिरवी समाज की, थान खेजड़ी या नीम वृक्ष के नीचे होता है, थान को बडेर कहा जाता है और मंदिर को दरगाह कहा जाता है। और साथियों एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, केसर, सेफ्रोन, केसर, केसर पढ़ा होगा आपने, विज्ञान में भी पढ़ा होगा केसर पौधे का कौन सा भाग है। तो स्टिग्मा वर्तिकाग्र आपने नाम सुना होगा। तो केसर जो है मंदिर परिसर में जो दीपक की ज्योति जलती है उससे केसर टपकता है। कौन सी लोक देवी के मंदिर परिसर की बात कर रहे हैं, तो वो आई माता है। तो यहां पर हमने एक लाइन और लिख दी, देवी के मंदिर परिसर में, देवी के मंदिर परिसर में दीपक की ज्योति से, दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आई माता के बारे में। मंदिर है इनका कहां पर, बिलाड़ा। कुल देवी है ये सिरवी समाज की, थान जो है खेजड़ी या नीम वृक्ष के नीचे होता है, थान को बडेर कहा जाता है, मंदिर को दरगाह कहा जाता है, और देवी के मंदिर परिसर में दीपक की ज्योति से क्या टपकती है, केसर टपकती है। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान में किसके बारे में, लोक देवियों के बारे में। और हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर जोधपुर संभाग के बारे में, और जोधपुर संभाग में हम संभाग मुख्यालय जो पढ़ रहे थे वो उसकी बात अभी हम कर रहे थे। जोधपुर, जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी बताइए साथियों, 6 बताइए। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, 5 जिले हैं यहाँ पर, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक बच्चा था शायरी की फरमाइश कर रहा था, तो बिल्कुल सुनाते हैं आपको, थोड़ा सुनाएंगे भी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अगला नाम जैसलमेर। अगले जिले के बारे में हम बात करें तो जैसलमेर शब्द आता है, तो डॉक्टर कुमार विश्वास की एक पंक्ति है जो मैं आप लोगों को सुना दूं। तो मैं आप लोगों को सुना देता हूं ताकि थोड़ी खुशी आपको मिल जाए। तो सुनना साथियों ध्यान से, कि किसी के दिल की मायूसी जहां पे हो के गुजरी है, हमारी हर एक चालाकी वहां पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तो साथियों इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, तो अगले जिले की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला नाम आता है जैसलमेर। क्या नाम आता है, जैसलमेर। तो जैसलमेर के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमने लिख दिया नंबर 1 तनोट माता। तनोट माता के बारे में जब हम बात करते हैं तो तनोटिया गांव के पास की बात है साथियों, जैसलमेर में तनोट माता। राजस्थान में, भारत में बात की जाए सेना की,
CRPF, CISF, ITBP और BSF, ये नाम अपने को मिलेंगे, ये नाम अपने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो अगला जो नाम आता है तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं यहाँ पर, उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कौन से ज़िले के बारे में बात कर रहे हैं, तो तनोट माता नाम आ गया। कौन सा नाम आ गया? तनोट माता। अब तनोट माता के बारे में जब हम यहां पर बात करते हैं तो ये है कुलदेवी, किसकी? बीएसएफ सैनिकों की। किसकी कुलदेवी है ये? बीएसएफ सैनिक। यहां पर जब हम बात करते हैं तो अगला नाम आता है जैसलमेर। जैसलमेर में है तनोट माता, किसकी कुलदेवी है ये? बीएसएफ सैनिकों की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है साथियों? बीएसएफ सैनिकों की कुलदेवी है। तो यहां पर हम बीएसएफ सैनिकों की कुलदेवी के बारे में बात करते हैं और लोक देवी को रुमालों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। रुमालों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे जैसलमेर वाला जो मरुस्थल है उसको थार का मरुस्थल कहते हैं। तो इन लोक देवी को, तनोट माता को, थार की वैष्णो देवी के रूप में भी पूजा जाता है। थार की वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? राजस्थान की लोक देवियों के बारे में हम बात कर रहे हैं और संभाग के अनुसार पढ़ रहे हैं। और संभाग के अनुसार जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम जिले की बात कर रहे हैं और संभाग में जोधपुर संभाग हम पढ़ रहे हैं और जोधपुर संभाग में ये दूसरा जिला है जैसलमेर। और जैसलमेर में हमने लिखा तनोट माता कुल देवी है, ये बीएसएफ सैनिकों की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन आप बीएसएफ विशेष रूप से याद रहना क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ सैनिक टुकड़ी रहती है। रुमालों वाली देवी के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। थार की वैष्णो देवी भी इन्हें कहा जाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं कौन से जिले के बारे में? जैसलमेर के बारे में। अब दूसरे नंबर पर हम चलते हैं तो दूसरा जो नाम आता है वो आता है आशापुरा माता। आशापुरा माता, और आशापुरा माता जो है इनका मंदिर मिलेगा पोखरण में। इनका मंदिर कहां मिलेगा? पोखरण में मिलेगा। आशापुरा माता का जो मंदिर है वो पोखरण में मिलेगा। और इनके बारे में हम बात करें तो ये कुल देवी है बिस्सा समाज की। किसकी कुलदेवी है ये? बिस्सा समाज की कुलदेवी है। और आशापुरा माता के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर क्या अपने राजस्थान में प्राचीन क्षेत्रों में होता है एक रिवाज जिसको हम बोलते हैं आठ होना, यानी इस चीज़ की आठ है, उस चीज़ की आठ है। तो कुल मिलाकर के क्या है कि बिस्सा समाज जो है इसमें मेहंदी की आठ है। ये लोग मेहंदी नहीं लगाते, तो जो बिस्सा समाज की महिलाएँ हैं वो मेहंदी नहीं लगाती है। और वो जो माताजी है आशापुरा माता, उनको वो अपनी सास, मदर इन लॉ जिन्हें कहते, वो मानती है, सास मानती है। और प्राचीन समय में सास का जो बहू जो है वो सास को देखकर के घूंघट निकालती है। ये परंपराएं आज भी है कुछ क्षेत्रों में। तो देवी के परिसर में जब स्त्रियां निकलती है तो घूंघट निकाल कर सकती है। यानी यहाँ पर हमने लिख दिया देवी के परिसर में बिस्सा समाज की महिलाएं घूंघट निकाल कर चलती है, तो ये हम बात कर रहे हैं कहाँ की? जैसलमेर के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसलमेर में जब हम आगे बात करते हैं तो हम, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पर मैंने लिख दिया आयड़ माता। आयड़ माता, जैसलमेर जो राजवंश रहा है वो भाटी शासकों का रहा है। तो आयड़ माता को
भाटी शासकों की कुल देवी माना गया है, और ऐसा कहा जाता है कि जैसलमेर क्षेत्र में हकरा नदी जो बहा करती थी प्राचीन क्षेत्र में, तो लोग उनसे काफ़ी परेशान थे, तो माता ने चुल्लू भर में उस नदी को सुखा दिया था। यानी यहाँ पर हमने लिख दिया, देवी ने हकरा नदी को चुल्लू भर पानी में पी लिया था, तो कौन सी लोक देवी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर? आयड़ माता के बारे में। तो आगे हम बात करते हैं, शगुन चिड़िया भी एक नाम आता है, देवी का प्रतीक के प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजा जाता है कि अगर शगुन चिड़िया दिखाई देती है तो आयड़ माता के दर्शन मान लिए जाते हैं। शगुन चिड़िया या शकुन चिड़िया नाम याद रख लेना आप साथियों, काम का प्रश्न है, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो यहां पर जब हम आगे बात करते हैं तो ये तो बात कर रहे हैं हम आयड़ माता के बारे में, अब चलते हैं आगे। इसी जैसलमेर में नाम आता है स्वांगिया माता। स्वांगिया माता के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्वांगिया माता जो है ये कुल देवी है भाटी शासकों की। किसकी कुल देवी है? भाटी राजवंश में आयड़ माता भी वही थी, यहां पर स्वांगिया माता जो है ये भी भाटी शासकों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। तो यहां पर भी हमने लिख दिया साथियों, कुल देवी किसकी है? ये भाटी शासकों की है। तो ये हम बात कर रहे हैं कौन से जिले के बारे में? जोधपुर संभाग में हम जैसलमेर के बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अगले स्थान पर चलते हैं, आगे अगले जिले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला नाम आता है साथियों और वो है बाड़मेर। तो बाड़मेर जो है इसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर एक नाम आता है और वो नाम है विरात्रा माता। विरात्रा माता का मंदिर जो है ये अपने को बाड़मेर में मिलेगा। भोपा समाज की इन्हें कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। तो ये कुल देवी जो है ये भोपा समाज की है। कुल देवी किसकी है? ये भोपा समाज की कुल देवी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया भोपा समाज की कुल देवी है। हमारे मंदिर परिसरों में जो पूजा करने वाले लोग होते हैं उनको भी भोपा के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर जाति विशेष भोपा, तो ये भोपा समाज की कुलदेवी मानी जाती है। आगे चलते हैं साथियों, जोधपुर संभाग की बात कर रहे हैं। जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या 6 है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। अब आगे आता है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के बाद जालोर। जालोर के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया जालोर। जालोर की जब हम बात करते हैं तो हमने नाम लिख दिया जालोर, और जालोर में नाम आता है साथियों सुंधा माता। सुंधा की पहाड़ियाँ आप लोगों ने सुनी होगी, सुंधा माता भालू अभ्यारण्य भी है सुंधा की पहाड़ियों में। तो सुंधा माता जो है इनका मंदिर जालोर में स्थित है। राजस्थान में जालोर में भी चौहानों ने निवास किया है, तो यह लोक देवी चौहानों की कुल देवी है, तो यहां पर हमने लिख दिया चौहान। कहाँ के चौहान? जालोर के चौहान, चौहानों की कुल देवी। कौन से लोक देवी के बारे में हम बात कर रहे हैं साथियों? सुंधा माता के बारे में बात कर रहे हैं, आगे बात करें तो एक और नाम यहां पर, और राजस्थान में जो पहला रोपवे है साथियों वो भी यहीं पर है। आगे हम बात करते हैं तो दूसरा नंबर जो आता है वो है महोदरी माता, और महोदरी माता भी चौहानों की ही कुलदेवी है, लेकिन इनको विशेष रूप से सोनगरा चौहानों की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कुलदेवी, तो ये कुलदेवी किसकी है? सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है? ये सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है, सोनगरा चौहानों की
कुलदेवी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन से जिले के बारे में, जालौर के बारे में। अब आगे चलते हैं, तो हमने आपको कहा कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, अब दो और है, सिरोही और पाली। तो यहां पर जब हम आगे बात करते हैं तो अगला नाम आता है साथियों सिरोही। कौन सा नाम आता है? सिरोही। अब सिरोही के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक नाम आता है सिमल माता। बसंतगढ़ में देवी का मंदिर है सिमल माता। बसंतगढ़ स्थान है सिरोही में, बसंतगढ़। आगे चले तो दूसरे नंबर पर आता है अर्बुदा माता। अर्बुदा माता का जो मंदिर है वो है माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू में है। और अभी हमने तनोट माता की बात की, तो तनोट माता की जब हमने बात की तो हमने कहा कि वो थार की वैष्णो देवी के रूप में पूजी जाती है, उन्हें थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। तो राजस्थान में सबसे ऊंचाई वाले स्थान की बात की जाए तो माउंट आबू गुरु शिखर क्षेत्र की बात करते हैं। तो माउंट आबू जैसे ही नाम आता है तो राजस्थान की वैष्णो देवी के रूप में जिन्हें पूजा जाता है तो वो अर्बुदा माता है। यानी यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की वैष्णो देवी किन्हें कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी किन्हें कहा जाता है? तो वो कौन है दोनों, वो कौन है? अर्बुदा माता है। और थार के किन्हें कहा जाता है? तो वो तनोट माता है। और त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता जो बांसवाड़ा क्षेत्र में है उन्हें वागड़ की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिरोही के बारे में। सिमल माता बसंतगढ़ में मंदिर है और अर्बुदा माता माउंट आबू राजस्थान की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अधर देवी का भी मंदिर है यहाँ बसंतगढ़ में एक और, तो वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है। अधर देवी, अधर देवी माता का जो मंदिर है वो भी बसंतगढ़ में है। वो भी कहाँ पर है? बसंतगढ़ में। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे आप उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे चलते हैं, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में लोक देवियों के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजस्थान में लोक देवियों के बारे में बात कर रहे हैं। और हम यहाँ पर संभाग पढ़ रहे हैं साथियों। कौन सा संभाग पढ़ रहे हैं? तो वो जोधपुर संभाग पढ़ रहे हैं। और जोधपुर संभाग में हमने लिखा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। अगला जो नाम आता है वो आता है साथियों पाली। कौन सा नाम आता है? पाली। तो मैंने यहाँ पर अगला नाम लिख दिया पाली। पाली यहाँ पर मैंने लिख दिया पाली। अब पाली के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पर पाली में एक नाम आता है साथियों सुगाली माता। सुगाली माता आउवा पाली में स्थान है। आउवा और एक ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जिन्हें आपने पढ़ा होगा राजस्थान में 1857 की क्रांति के संग्राम की जब बात करें तो उनकी ये इष्ट देवी है, वो इन्हें अपनी इष्ट देवी के रूप में मानते थे ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह इन्हें अपनी इष्ट देवी के रूप में जानते थे। और 1857 की क्रांति में जिस भी क्रांतिकारी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की है अंग्रेजों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया है, मौत के घाट उतार दिया, फांसी पर चढ़ा दिया, दीवार पर लटकाकर पत्थरों से मारा, तोप के बांधकर उड़ा दिया। लेकिन एक क्रांतिकारी जिनका अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए, कौन है वो? वो है ठाकुर कुशाल सिंह। क्योंकि कानून
उस समय अंग्रेज सरकार ईस्ट इंडिया थी और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते थे, और उनके अनुसार अगर देखा जाए तो वो सारे सबूत जो है वो नहीं मिलने का कारण वो सुगाली माता को देते थे। इसलिए लोक देवी को 1857 की लोक देवी के रूप में भी जाना जाता है, 1857 की लोक देवी, 1857 की लोक देवी के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें, आगे बात करें तो भैया बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, राजस्थान लोक संस्कृति के बारे में, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लोक देवियाँ और उन लोक देवियों को हम पढ़ रहे हैं संभाग के अनुसार, और हम संभाग पढ़ रहे हैं कौन सा, जोधपुर। कितने ज़िले बताए, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, 6 ज़िले हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे जब हम बात करते हैं तो अगले संभाग की ओर चलते हैं और वो है भरतपुर। भरतपुर की जब बात करते हैं तो भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या 4 है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। तो यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों अगले के बारे में, और वो है भरतपुर संभाग। कौन से संभाग की बात करते हैं, भरतपुर संभाग, और भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या 4 है। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। अब यहां पर हम बात करें तो इसी भरतपुर संभाग की जब हम बात करते हैं साथियों, तो यहां पर हमने लिखा सबसे पहले भरतपुर, भरतपुर। भरतपुर के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पर नाम आता है राज राजेश्वरी माता, राज राजेश्वरी माता। चित्तौड़ आक्रमण जब हुआ तो कई स्थान हमारे यहाँ से लूट कर ले जाए गए, कुछ महंगी वस्तुएं वगैरह कहीं ले जाए गई। जब भरतपुर के जवाहर सिंह जी दिल्ली लूट कर लाए तो राज राजेश्वरी माता की मूर्ति भी उस शाही खजाने के साथ वापस आई। पृथ्वीराज चौहान लोक देवी की आराधना किया करते थे, इसलिए पृथ्वीराज चौहान की भी इन्हें लोक देवी माना जाता है। विशेष रूप से जाट राजवंश की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है, जाट राजवंश की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है कौन सी माता, राज राजेश्वरी माता। पृथ्वीराज चौहान भी आराधना करते थे, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में शासन काल रहा है पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान भी देवी की आराधना करते थे, पृथ्वीराज चौहान भी देवी की आराधना करते थे, पृथ्वीराज चौहान भी देवी की आराधना करते थे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, राजस्थान लोक देवियों के बारे में बात कर रहे हैं साथियों, राजस्थान लोक देवियों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं किसके बारे में,
राजस्थान कला संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, भरतपुर संभाग के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या बताइए आपको कितनी, चार बताइए, कितनी बताइए, भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या चार बताइए। तो यहाँ पर ये भरतपुर पहला नाम लिखा है जिला। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, चार जिले आते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला जो आता है वो आता है भरतपुर के बाद सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक नाम आया और वो नाम है सहरा देवी। कहा जाता है कि सवाई माधो सिंह जो थे उन्होंने इन्हीं लोक देवी के आशीर्वाद से सवाई माधोपुर नगर बसाया था। किसने? सवाई माधो सिंह जो थे उन्होंने। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सवाई माधो सिंह ने देवी के आशीर्वाद से, सवाई माधो सिंह ने देवी के आशीर्वाद से सवाई माधोपुर बसाया था, सवाई माधोपुर बसाया था। आगे बात करते हैं इसी सवाई माधोपुर के बारे में, जब हम आगे बात करते हैं साथियों, तो अगला नाम आता है यहां पर चौथ माता। बरवाड़ा नामक स्थान पर देवी का मंदिर है। चौथ माता के बारे में बात करें तो भारत में सबसे बड़ा चौथ माता मंदिर यही है, जो दूसरा माना जाता है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा चौथ माता मंदिर यही है। यहाँ पर हमने बात की, पहला मध्य प्रदेश में बताया जाता है, चौथ माता बरवाड़ा। आराध्य के बारे में बात की जाए तो मीणा, गुजर और यादवों की आराध्य देवी मानी जाती है। इष्ट देवी के बारे में बात की जाए, इष्ट देवी के बारे में बात की जाए तो कंजर जनजाति की इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती है। कंजर जनजाति जो है इष्ट देवी मानती है, और राजस्थान में कंजर जनजाति जो है चोरी करने से पूर्व जिस लोक देवी से पाती मांगती है वो चौथ माता है। कौन सी लोक देवी है? वो चौथ माता है। और वो जो पाती मांगना क्या है, दरअसल में चोरी करने से पूर्व कंजर जनजाति के लोग आशीर्वाद मांगते हैं तो उसे पाती मांगना के नाम से जाना जाता है। तो चौथ माता जो है ये भी सवाई माधोपुर में है। आगे बात करें तो भरतपुर संभाग में धौलपुर भी जिला है, लेकिन धौलपुर में किसी लोक देवी का कोई उल्लेख नहीं मिलता विशेष रूप से। फिर आता है अपने पास करौली। करौली के बारे में जब हम बात करते हैं तो करौली में पहले नंबर पर एक नाम आता है केला देवी। क्या नाम आता है? केला देवी। अब केला देवी के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये यदुवंशी यादवों के कुल देवी के रूप में माना जाता है। यदुवंशी यादवों की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। किसको? केला देवी को। यदुवंशी यादवों की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है केला देवी को। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के मामा कंस जो था वो सभी संतानों को बारी बारी से मारने की कोशिश कर रहा था, तो भगवान कृष्ण की एक बहन को भी मारने की कोशिश की गई। वो वहाँ से अदृश्य होकर कई स्थानों पर प्रकट हुई, जिनमें से एक अवतार केला देवी के रूप में पूजा जाता है। और भगवान कृष्ण भी जो थे यदुवंशी यादव थे, यानी ये भगवान कृष्ण की बहन है। भगवान कृष्ण की बहन है।
आगे बात की जाए तो देवी के मंदिर परिसर में एक लोकगीत गाया जाता है जिसे लांगुरिया के रूप में जानते हैं। सुना होगा आपने लांगुरिया गीत। कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है। तो देवी के मंदिर परिसर में लांगुरिया गीत गाया जाता है, और लांगुरिया जो है ये बाल हनुमान और बाल भैरव, बाल हनुमान और बाल भैरव को संबोधित करता है। इसी केला देवी के मंदिर परिसर के समीप जो है एक छतरी बनी हुई है जिसे बोहरा जी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी मंदिर के समीप, देवी के मंदिर के समीप बोहरा जी की छतरी स्थित है। बोहरा जी की छतरी स्थित है। किसकी छतरी स्थित है साथियों? बोहरा जी की छतरी स्थित है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान में लोक देवियों के बारे में, और राजस्थान में हम लोक देवियाँ पढ़ रहे हैं कहाँ की, कौन से संभाग की? भरतपुर की पढ़ रहे हैं साथियों। किसकी पढ़ रहे हैं? भरतपुर की। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या बताई गई है चार, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। करौली के बारे में बात करें तो केला देवी कुल देवी है, ये यदुवंशी यादवों की भगवान कृष्ण की बहन के रूप में जाना जाता है। मंदिर के समीप बोरा जी की छतरी है। लांगुरिया गीत गाया जाता है, और बाल हनुमान और बाल भैरव जो है लांगुरिया संबोधित करता है। ये एक गीत भी है राजस्थान में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति के बारे में, राजस्थान में लोक देवियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को नियमित रखें, निरंतर बनाए रखें, क्योंकि जो रुकेगा वो नहीं चलेगा। आपने देखा है कि समंदर के पास पानी बहुत सारा है, लेकिन कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। एक नाले की बात की जाए तो नाले का जो पानी है वो बदबू मारता है, स्मेल मारता है। क्यों? क्योंकि वो रुका हुआ है। लेकिन एक नदी का पानी पीने में स्वादिष्ट है, लाखों लोगों की प्यास हो जाता है, वो हमेशा स्वच्छ रहेगा। क्यों? क्योंकि रुका नहीं है, चलता है। तो जो चलेगा, जीत उसी की है। तो किसी भी व्यक्ति के बहकावे में नहीं है। निरंतर मेहनत करें, प्रयत्न करें, प्रयास करें, और दिलों में विश्वास रखें। विश्वासघात नहीं करें किसी के साथ। जिंदगी का तजुर्बा हमेशा सकारात्मक सोच देगा, एक नई ऊर्जा देगा, एक नया जुनून देगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में एक नई एनर्जी, नया उमंग, नए जोश, नए जुनून के साथ। और मैं आपसे यही कहूंगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।